नमस्कार, जो अछेद हो, जो नित्य हो, जो सर्वव्यापी हो, जो अचल हो, जो चिर स्थिर रहने वाला हो, वही सनातन है। ऐसा सनातन शब्द का अर्थ हमारे सनातनी पूर्वजों ने हमें बताया है। सनातन भारत भूमि के सनातनी पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले महापूर्ण सोटे को भी अछेद, नित्य, सर्वव्यापी और चिरस्थायी होने के कारण संपूर्ण विश्व की सभी मानव प्रजातियों की स्त्रियों के द्वारा एक विशेष आदर तथा स्नेह की दृष्टि से देखा जाता है। किंतु भारतवर्ष के पश्चिमी बाड़े में पाए जाने वाले मानवों के सदृश पशु मुखाकृति वाले मस्तकवंशी जानवरों में भी कुछ ऐसी मादाएं पाई जाती हैं जो भारत भूमि के किसी सनातनी पुरुष के महापूर्ण सोटे के आशीष को पाकर चिर परमानंद सुख को पाने की कामना अपने पशु हृदय में पाल कर रखती है। पहले आसमानी खुदाई की किताब के विरुद्ध पशु आचरण करते हुए रेवड़ राष्ट्र में काली बोरी विहीन होकर भटकती ऐसी ही मस्त खरवंशिनी मादाओं के इस पशु साक्षात्कार को देखते हैं। तदोपरांत इस विषय पर कुछ आगे चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि अगर बात करें हम हिंदू बॉयज और पाकिस्तानी मुस्लिम बॉयज की, तो कौन क्या डिफरेंस फील करती हैं और कौन सा ज्यादा पसंद है? यार, हिंदुओं में आई थिंक सो उनके बॉयज जो है ना वो शादी एक करते हैं, एम आई राइट? और हमारे में शादियां ज्यादा करते हैं, और एज अ गर्ल जो है ना बड़ी जेलसी होती है कि एक वो अल्लाह पाक ने जो है हुक्म दिया है कि चार शादियां आप कर सकते हैं, लेकिन हम औरत होने के नाते तो जेलसी होती है ना यार, चार शादियां आप अपने हस्बैंड को करने देंगी? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों नहीं? आपको रिश्ता आ जाए इंडिया से तो कर लेंगे शादी? यार अलाओ तो नहीं है, लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल कर लें, जो कि वो नहीं करेंगे, तो फिर शायद। को इंडियन हिंदू बॉय वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम बॉयज, इनमें कंपैरिजन करना पड़े तो क्या कौन से ज्यादा पसंद? बोल बोल दे। इंडिया इंडियन हिंदू बॉय पसंद है, क्या क्वालिटीज उसमें है जो आपको वो पसंद है? मेरी क्वालिटीज मतलब उनमें जो क्वालिटीज है ना जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, और जो लाइक सिर्फ मुझे ही नहीं, सब लड़कियां जो हमारी पाकिस्तान में जितनी भी गर्ल्स हैं चाहे वो वुमेन हैं, आजकल यहाँ पे ट्रेंड भी इंडिया का ही चल गया है कि वो एक टाइम पे एक शादी करते हैं, ठीक है? और हमारे पाकिस्तान में ये है कि चार कर लो, आठ कर लो, ठीक है, अगर करो सुन्नत में जो सुन्नत नबी है, करो चार आठ करो। ये कोई रंडी गा रहा है? ये कोई रंडी गा रहा है? अगर आप किसी हिंदू लड़के से शादी से करेंगे शादी? इंडियन में अगर कोई हिंदू हो तो, देखो हिंदू हो या मुसलमान हो, बस दिल का अच्छा होना चाहिए बस, और प्यार करने वाला होना चाहिए, और मेरा ख्याल रखने वाला होना चाहिए, मेरे घर वालों की इज्जत करने वाला होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें मतलब मैं बाइक वगैरह चलाती हूँ ना, तो उस उन चीज़ों को कबूल करे और कहे कि हमारा तुम आज तुम बाइक चलाओ, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि हिंदू और मुस्लिम मायने नहीं रखता, कि अगर आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपका कोई लव सीन हो जाता है तो धर्म मायने नहीं रखते। तो इसलिए मेरे लिए ये चूज़ करना ही मुश्किल होगा कि वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो पर्सन मेरे दिल के करीब। एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी, होगा तो कर लूंगी। प्यारा हुआ तो कर लूंगी। मुसलमान औरत का गैर मुस्लिम मर्द से शादी करना, देखिए ये शादी होगी नहीं। मुसलमान औरत जब गैर मुस्लिम मर्द से शादी करती है तो निकाह शरीयत में कलदम है, तो ये जिना है, तो उसके सारे अहकाम जिना वाले ही होंगे। तो इसलिए उनके वालदैन को चाहिए कि उसको मोहब्बत से समझाएं, कानूनी हरबा इस्तेमाल करें, फिर भी बात नहीं आती तो उससे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दें, जनाजे में शिरकत और उसकी जिंदगी में उसके साथ मेल जोल बिल्कुल ये बायकॉट कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। मुसलमान औरत का गैर मुस्लिम से निकाह शरीयत। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। घोर घरेलू आसमानी खुदाई के फल स्वरूप आई आनुवांशिक विकृति तथा पार्श्विक खान पान के परिणाम स्वरूप एक मस्त खरवंशिनी मादा की चिरद्रवित रहने वाली दुग्गी की संरचना तथा मूल दुग्गी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि जब तक वो प्रतिदिन बदल बदल कर भिन्न भिन्न आकार प्रकार की अनेकों लाठियों से अपनी दुग्गी अथवा झोंपड़ी में खुदाई न करवा ले, तब तक उसकी दुग्गी ज्वाला शांत नहीं होती है। अतः किसी भी मस्त खरवंशिनी मादा को सदैव के लिए अपने महापूर्ण सोटे के आशीष का पात्र बनाने से पहले किसी सनातनी पुरुष को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, तथा एक मस्त खरवंशिनी को सदा के लिए लठाशीष का पात्र बनाने के स्थान पर यदा कदा उसकी दुग्गी में सोटा प्रक्षालित कर सोटे की साफ सफाई हेतु ही उसे उपयोग में लेना चाहिए, और यही एक उत्तम पुरुष का लक्षण होता है। यह सिद्ध महापुरुषों का मत है। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपके अपने चैनल हम है सनातन के भी सदस्य बने। हम है सनातन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पागडी टॉक तथा टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको बम बम।